नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चौबे। कस्बा करहल में किसानों की समस्याओं को लेकर बाकियों के नेताओं ने तहसील परिसर में डेरा डाल दिया, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता ब्रजकिशोर मिश्रा की ये रिपोर्ट। देखिए आप लोग जो भी समस्या है उसको आपने दस दिनों के अंदर उस पर प्रभावी कार्रवाई होगा, नहीं होगा तो फिर आप उसके बाद 25 मई को आप नहीं कर पाएंगे वास्ता, क्योंकि उसमें अभी काफ़ी कम लगता है। तो हमने कहा 1 जून को रखूँगा, यह तय हो गया। 1 जून को शनिवार था, थाना दिवस था। हमने कहा चलो ठीक है, बदलाव गई हुई था तो हमने कोई बात नहीं, क्यों हो जाता है ऐसा कभी कभी, मतलब क्या किसान इंडिया जिंदाबाद, किसान इंडिया जिंदाबाद, जय जवान जय जवान। हेलो, सभी किसान अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, सभी किसान साथी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हमारी शासन से मांग थी कि पानी की व्यवस्था होना चाहिए, अभी तक नगर पंचायत द्वारा यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई सुबह से, और हमने जब चिट्ठी दी थी परमिशन के लिए सारे लोग बैठ गए अपनी अपनी जगह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत प्रताप यादव, देवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकट खुशी। आज जो आपका प्रदर्शन रहा, क्या था? ये प्रदर्शन हमें मजबूरी में करना पड़ा कि महीनों से हमारी समस्याएं लंबित थी, अधिकारी कर्मचारी हमारी बात को सुनते नहीं थे। जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना है, राशन कार्ड संबंधित योजना है, ये सारी जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही उनका किसानों को लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया था। SDM महोदय ने हमें 10 दिन का आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर कार्य न हुए तो मैंने कहा हम आपकी ऑफिस में ताला डाल देंगे।